नमस्कार साथियों, पीएससी अड्डा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज 7 अगस्त के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको फ्रंट पर इमेज दिख रही होगी कि मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में अंदर चर्चा करेंगे। उसके पहले देखते हैं थॉट ऑफ द डे। देखिए, थॉट ऑफ द डे, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी के साथ अपनी तैयारी पर लगे रहें और कभी भी जीवन में हार नहीं माने। चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है, गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे? तो देखिए, ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो देखिए, यह जो थे वह थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। आपको पता है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को उप मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनके इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर जो है उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटने के पहली वर्षगांठ पर इस्तीफा दे दिया, जिससे तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। यानी 5 अगस्त को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। मुर्मू ने केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम था 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। अब देखिए, क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। तो मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी और लद्दाख। तो इसका सही उत्तर वह है जम्मू कश्मीर। देखिए, राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करने के बाद यह घोषणा की गई है। और देखिए, मनोज सिन्हा जो है यह गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, जिन्हें इससे पहले जो है यह रेल राज्य मंत्री थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अजय त्यागी का बतौर अध्यक्ष के तौर पर 18 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है, यह किस संस्थान से है? देखिए, ऑप्शन जो है सिडबी, नाबार्ड, सेबी और इरडा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी ऑप्शन, सेबी। अब देखिए, जो कार्मिक मंत्रालय है उसने कहा है कि बाजार नियामक यानी सेबी जो है उसके अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें नियुक्ति समिति जो है उसमें त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने यानी अब इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। अजय त्यागी जिन्हें मार्च 2017 में सेबी का अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्ति किया गया था, इससे पहले उनके कार्यकाल को मार्च में अगस्त तक 6 महीने का विस्तार दिया गया है। त्यागी जो है यह 1984 बैच के आईएएस सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वह है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस ए कॉन्वर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन जो कुमार विश्वास, अजीत डोभाल, यतीश यादव और डीए राकेश अस्थाना। तो इसका सही उत्तर जो हुआ है सी ऑप्शन, यतीश यादव। देख लीजिए, इसके इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते, यतीश यादव द्वारा रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्वर्ट ऑपरेशन शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। इस नई पुस्तक में भारत की जासूस एजेंसी जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्व कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि किस तरह जासूसी कम्युनिटी ने ग्रे दीवारों के पीछे से वास्तव में कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। यतीश यादव जो हैं यह जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक हैं।
इस पुस्तक में जो आपको मिलेगा, जो जासूसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें उनके जीवन के अज्ञात पहलू, जो जासूस होते हैं उनके बारे में, आघात और प्रलोभन जैसे विजय, और उनके प्रत्येक मिशन यानी मिशन इम्पॉसिबल के निष्पादन में असफलता के कारण का भी जिक्र किया गया है। यह पुस्तक जो एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और बताती है कि अपरिवर्तित क्षेत्र में गुप्त संचालन कैसे किया जाता है, वास्तविकता को दिखाने के लिए उसे किस तरह बुना जाता है। अब देखिए, रॉ जो का जो प्रमुख जो हमारे प्रमुख है, सामंत गोयल, और रॉ का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली, और रॉ की स्थापना जो है 21 सितंबर 1968 को की गई थी। भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो देखिए, 14.46 मिलियन, 15.46 मिलियन, 16.46 मिलियन, और डी ऑप्शन जो है 17.46 मिलियन। इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा बी ऑप्शन, 15.46 मिलियन। अब देखिए, भारत ने सतत विकास जो लक्ष्यों के प्रति अपने विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी जो प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में अमेरिकी जो डॉलर है 15.56 मिलियन राशि दी है। देखिए, 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर समग्र फंड सहित जो होगा वह 15.46 मिलियन हो जाएगी। इस कुल फंड में सभी विकासशील देश जो हैं उनके लिए भागीदारी होती है, जिसमें 9.46 मिलियन जो वह अमेरिकी डॉलर जो रहेंगे वह राष्ट्रमंडल देशों को समर्पित हैं। मतलब राष्ट्रमंडल देश वह हैं जो पहले ब्रिटिश कानून के तहत चले हैं। ठीक है, अब देखिए, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड जो है, इस फंड को भारत सरकार द्वारा समर्थित और नेतृत्व किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा दक्षिण सहयोग द्वारा प्रबंधित और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से क्रियान्वित किया गया है। अब तक 55 परियोजनाओं और प्रस्तावों को भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी जो निधि है उसमें 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर के कई उद्देश्यों वाले 14.8 मिलियन अमेरिकन डॉलर के योगदान के साथ अनुमोदित किया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो वह है, रफाल नडाल जो है टेनिस खिलाड़ी, जो है वह, उन्होंने कोरोना महामारी के कारण कौन सा खिताब खेलने से मना कर दिया है? उत्तर है फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन और विंबलडन। इसका जो सही उत्तर है वह है सी ऑप्शन, हमारा अमेरिकन ओपन। अब देखिए, जान लेते थोड़ा, तो देखिए, रफाल नडाल जो है वो अमेरिकी ओपन के गत चैंपियनशिप भी उन्होंने जीती थी। मतलब बोले तो 2019 में अमेरिकी ओपन जो है वह रफाल नडाल ने जीता था, ठीक है। और इस अब बात कर 2020 साल, तो अमेरिकी ओपन नहीं खेलेंगे रफाल नडाल, जिससे रोजर फेडर के ग्रैंड स्लैम खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी के लिए उन्होंने इंतजार करना होगा। मतलब अभी अगर रोजर फेडर के अगर बराबरी करनी तो उनको एक खिताब और रुकना पड़ेगा। नडाल ने सिलेवाड़ जो ट्वीट में मंगलवार को अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालत काफी पेचीदा है और कोविड-19 के बढ़ते मामले जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम इस पर काबू नहीं पा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिकन ओपन नहीं खेलने का फैसला वह नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हालात में यात्रा नहीं कर सकते हैं। और देखिए, इसी में जो है महिला वर्ग की नंबर वन खिलाड़ी जो एशले, उन्होंने भी अपना वापस नाम ले वापस ले चुकी हैं, और रफाल नडाल भी घुटने के ऑपरेशन के कारण नहीं खेलेंगे। देखिए, अब ये नया क्वेश्चन जो है वह है, केंद्र सरकार ने देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है, यानी CAG नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार और अजय त्यागी। तो
तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति जो है श्री राष्ट्रपति को श्री राम श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने हेतु तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह किसने बोला है? यह राष्ट्रपति ने अपने एक ट्वीट में मतलब भाषण में बोला है। उनकी नियुक्ति जो है पदभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल के पद से मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को मुर्मू की जगह केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया है। देखिए मुर्मू की बात करें तो 1985 के आईएएस अधिकारी हैं, गुजरात कैडर के हैं। 60 वर्ष के मुर्मू को अक्टूबर 2019 में उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था जम्मू कश्मीर का। और इससे पहले जो उपराज्यपाल बनाए जाने से पहले ये मुर्मू जो है वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव भी रह चुके हैं। वह गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में उनके प्रधान सचिव रह चुके हैं। देखिए अब चर्चा करते हैं 7 अगस्त 2020 के 2020 तक का जो 7 अगस्त तक का जो इतिहास रहा है उसके बारे में। ये हटा देता हूं मैं, 2020 भी ये गलत आ गया थोड़ा। 7 अगस्त का इतिहास, ठीक है, 7 अगस्त का इतिहास। देखिए ये हमारे सामने जो है 7 अगस्त के इतिहास आ गया। तो 1606 में शेक्सपियर की नाटक जो है मैकबेथ का पहली बार मंचन जेम्स प्रथम के लिए किया गया था। फिर 1753 में ही ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना की गई थी। फिर 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। 1941 में ही नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन हो गया था। फिर है 1944 में, यानी 7 अगस्त 1944 को पहले कैलकुलेटर के नाम पर 51 फीट लंबी, 8 फीट ऊंची और 5 टन वजन का एक विशाल मशीन का निर्माण हुआ था 1944 में। फिर 1947 में मुंबई नगर निगम को बिजली और परिवहन व्यवस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित कर दी गई थी। फिर 1957 में अमेरिका ने नेवाद परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। देखिए फिर है 1960 में ही 7 अगस्त 1960 को ही अफ्रीकी महाद्वीप के देश आइवरी कोस्ट को फ्रांस के अधिकार से आजादी मिली। 1985 में गीत सेटी ने विश्व एमेच्योर बिल्डियर्स चैंपियनशिप जीती। फिर 1960 में अमेरिका ने सऊदी अरब से में तैनात कर सेना तैनात कर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरुआत की थी। तो डेजर्ट शील्ड कहाँ किया गया था? सऊदी अरब में सेना लगाकर अमेरिका ने किया था। फिर 1998 में केन्या और तंजानिया की राजधानियों में स्थित अमेरिकी दूतावास का अमेरिका हमला हुआ था, इसमें 200 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो गई थी। और 2018 में देश के द्रमुक जो दक्षिण भारत का एक राजनीतिक दल है उसके प्रमुख जो थे एम करुणानिधि की मृत्यु हो गई थी। देखिए आज का सेशन इतना ही है, कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। अभी इसके पीडीएफ में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो एक दो दिन में वो सॉल्व कर ली जाएगी और आपको 1 अगस्त से लगाकर 7 अगस्त तक का जो पीडीएफ होगा वो एक ही बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज टेक्निकल कारणों की वजह से आपकी जो सेशन जो था वो 8 बजे की जगह थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। पर कल से यह सेशन हुआ तो 8 बजे आपको कंफर्म टाइम पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।